तो मार्च का महीना शुरू हो चुका है, यानी कि आईपीएल 2023 अब बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया है और टाइम थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहा है। कहा हम अभी 2022 के मेगा ऑक्शन की चर्चा कर रहे थे और कहा 2023 का सीजन हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया है, तो टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज जैसे जैसे सीजन नजदीक आ रहा है रोज डेली कई बड़ी अपडेट्स निकल करके हमारे सामने आ रही है। तो आज मैं 3 अपडेट्स लेकर के आपके सामने आया हूं। पहली खबर केकेआर से जुड़ी हुई है जो कि अच्छी खबर है, वही मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए एक बुरी खबर है, भारतीय फैंस के लिए एक बुरी खबर है, और उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के खेमे से भी अपडेट है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहली खबर है कोलकाता नाइट राइडर्स के खेमे से, जहां पर उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज नीतीश राणा ने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से वो आईपीएल 2023 की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही में इस बारे में भी उन्होंने बात की कि चूंकि उनका रणजी का सीजन अच्छा नहीं गया था, तो इसलिए वो इस समय केकेआर के कैंप में थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रेटजी बना रहे हैं, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा सा ज्यादा अपने गेम पर काम कर रहे हैं। नीतीश राणा ने बताया कि कोलकाता नाइट राइडर्स हमेशा से उनके एक परिवार की तरह रहा है और वो अपना 100% देने को तैयार है। साथ ही में जो बड़ी बात उन्होंने कही वो ये कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी पर अच्छा खासा काम किया है, यानी कि वो एक पार्ट टाइमर से एक जेन्युइन ऑलराउंडर बनने की तरफ देख रहे हैं और इस सीजन उनकी गेंदबाजी का कप्तान ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि श्रेयस अय्यर के लिए एक एक्स्ट्रा विकल्प मौजूद रहेगा, अगर वो चाहें तो एक एक्स्ट्रा तेज गेंदबाज एक स्पिनर कमके करके खिला सकते हैं। तो ये नीतीश राणा ने अपने गेम में एक प्लस पॉइंट ऐड किया है, हालांकि उन्होंने बताया कि वो अपनी बल्लेबाजी पर भी अच्छा काम कर रहे हैं एंड ही इज कॉन्फिडेंट कि आईपीएल 2023 में वो अपनी टीम के लिए पूरा बढ़िया कंट्रीब्यूट करेंगे। वहीं मुंबई इंडियंस के फैंस के अलावा भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए भी एक बहुत ही बुरी खबर है और ये रिपोर्ट्स निकल करके आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह को कम से कम वर्ल्ड कप 2023 तक हम मैदान पर नहीं देखने वाले हैं, यानी कि आईपीएल में तो उनका खेलना अब बहुत ही ज्यादा नामुमकिन नजर आ रहा है, वहीं एशिया कप भी वो मिस कर सकते हैं। खबर है कि बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम है उसने एडवाइस ये किया है जसप्रीत बुमराह को लेकर के कि अब उनको बैक की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जुलाई के महीने में जसप्रीत बुमराह ने पीठ दर्द की शिकायत की थी, उसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी की, उससे पहले एशिया कप मिस किया, उस मैच के बाद उन्होंने वर्ल्ड कप मिस किया, उसके बाद से लगातार वो खेल से दूर रहे, काफी ज्यादा एनसीए में उन्होंने मेहनत की कि किसी तरीके से फिट हो जाए। श्रीलंका के खिलाफ जो ओडीआई सीरीज थी उसमें उनको टीम में जगह मिली थी, लेकिन वहां से भी फिर विड्रॉ उनको कर लिया गया था और अब खबर यह है कि आईपीएल 2023 तो वो मिस करेंगे ही और मोस्ट प्रोबेबली अब उनको सर्जरी की जरूरत भी पड़ेगी, यानी कि जसप्रीत बुमराह के लिए काफी मुश्किल समय यह चल रहा है और क्या वो वापसी कर पाएंगे मैदान पर अब तो इस पर भी अटकलें लगना शुरू हो गई हैं, बिकॉज जितना लंबा समय तक आप दूर रहोगे, जितने लंबे समय तक आप खेल मैदान पर नहीं खेलोगे, उतना बॉडी आपकी आदत छूटती चली जाती है और फिर इंजरी के बाद वापसी करना किसी भी तेज गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है, खास करके जब आपका एक्शन और आपका बॉलिंग मॉडल जसप्रीत बुमराह के जैसा हो। तो जसप्रीत बुमराह एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, हम सभी को उनके साथ यहां पर खड़ा होना जरूरी है और यह उम्मीद जतानी होगी कि जसप्रीत बुमराह किसी भी हाल में पूरी तरीके से फिट होकर वर्ल्ड कप 2023 के लिए तैयार हो जाए। उसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के खेमे से भी कुछ अपडेट्स निकल करके आई हैं। पहली खबर तो यह है कि उनकी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक खिलाड़ी धीरे धीरे आरआर के कैंप में पहुंच रहे हैं और जो खिलाड़ी इस समय इंटरनेशनल ड्यूटी पर बिजी हैं वो भी जल्द ही राजस्थान रॉयल्स के कैंप से जुड़ जाएंगे और कप्तान संजू सैमसन भी कैंप पहुंच सकते हैं। हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो ऑलरेडी संजू सैमसन वहां पर पहुंच गए हो। उसके अलावा आरआर की जर्सी लॉन्च भी जल्द ही हमें देखने को मिलेगी और प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम अभी भी पूरी तरीके से अपना मन नहीं बना पाई है और वरुण एरॉन उस लीड में आगे चलते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट वो हो सकते हैं, बट नथिंग कैन बी सेड एट दैट मोमेंट। कुछ आरआर के अंदर से इनसाइडर्स ने ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। संदीप शर्मा, अंकित राजपूत जैसे खिलाड़ी फिलहाल रेस में थोड़ा सा पीछे नजर आ रहे हैं क्योंकि थोड़े से पेस की तरफ देख रही है राजस्थान रॉयल्स। और उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा के रिप्लेसमेंट के तौर पर कुलदीप सेन और नवदीप सैनी ऑलरेडी इनके पास हैं, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली जो भी प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस करेगा वो अच्छा खासा समय बेंच पर ही बिताएगा। तो देखना होगा कि राजस्थान रॉयल्स किस करवट जाती है, लेकिन एट द मोमेंट राजस्थान रॉयल्स ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है, मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आईपीएल 2023 को लेकर के आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो और आपके हिसाब से कौन सी टीम सबसे शानदार प्रिपरेशन कर रही है। वहीं जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी मुंबई इंडियंस के लिए कितना बड़ा झटका होगी, जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा।
आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, बिकॉज आईपीएल 2023 से ठीक पहले मजेदार सीरीज आपके लिए शुरू होने वाली है। काफी ज्यादा उसमें ओपिनियंस तो होंगे ही, एनालिसिस तो होगा ही, लेकिन डेटा ड्रिवन सीरीज होगी तो काफी सारे स्टैट्स भी हमें देखने को मिलेंगे। और उसके साथ हाई फाइव पॉडकास्ट के भी अगले एपिसोड्स बहुत ही जल्द आपको इस चैनल पर देखने को मिलने वाले हैं। सो यू हैव टू स्टे ट्यून फॉर एवरीथिंग दैट इज कमिंग योर वे, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।